हाय एवरीवन, आई एम मुजीब एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल टेदर ऑफ नॉलेज। गैस, आज के वीडियो में आपके लिए बहुत ही ज़रूरी जानकारी देने वाला हूँ। वो जानकारी ये है कि आपकी क्लास 9th और 11th की जो लैंग्वेज है उसको चेंज कर दिया गया है। इट मीन्स आपकी इंग्लिश और हिंदी की बुक्स को चेंज कर दिया गया है। आपकी जो पहले बुक चलती थी वो अब नहीं चलेगी। इस साल से NCERT की बुक को लागू कर दिया गया है और आपकी जो 9th क्लास है उस क्लास में आपकी इंग्लिश की बुक है वो टोटल चेंज हो चुकी है। जी, मैं आपको फिर से बता दूं कि आपकी जो 9th क्लास है वो बुक चेंज हो चुकी है इंग्लिश की। अब आप चाहे 9th इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो या फिर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो, आपकी पहले जो जनरल इंग्लिश चलती थी हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में जो स्पेशल इंग्लिश चलती थी, अब ऐसा जनरल स्पेशल इंग्लिश वाला कोई भी सिस्टम नहीं है। अब एक ही बुक चलेगी, वो बुक का नेम है बी हाइव। जी हाँ, आप देख सकते हैं, मैं आपको बता दूं क्लियरली, आप यहाँ पे देख सकते हैं बी हाइव इस बुक का नाम है। ये आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक है, ये फॉर क्लास 9th, इट मीन्स 9th के लिए ये बुक है। अब दोनों ही क्लासेज में, इट मीन्स हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, एक ही बुक चलेगी जो कि NCERT की बुक है, ये इंग्लिश की बुक है। इसी तरह से आपकी 11th की बुक भी चेंज हो चुकी है और 11th में भी आपकी जो इंग्लिश रहेगी वो एक ही इंग्लिश रहेगी NCERT की। उसमें भी स्पेशल और जनरल इंग्लिश वाला सिस्टम खत्म हो चुका है, अब वहाँ पे भी एक ही बुक चलेगी। उस बुक के बारे में भी हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो गाइस, इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिए क्योंकि आपको मैं इस बुक से रिलेटेड ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको मैं देने वाला हूँ। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, तो हम समझते हैं इन बुक के बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप इसको पहले बहुत ही अच्छे से देख लीजिए, ये आपकी बुक है जिसका नेम है बीहाइव, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे हम इसके पेज के बारे में बात करें तो पेज में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं किया गया है। तो जो MP बोर्ड की जो नॉर्मल जो बुक्स पे जो पेज आता है फ्रंट पेज, तो आप देखेंगे इस तरह से बने हुए, आपने लोगों देखे होंगे ऐसा ही कुछ बना रहता है और अभी भी यहाँ पर वैसे ही बना हुआ है, ठीक है। थोड़ी सी क्वालिटी चेंज कर दी गई है, तो आप इस पेज की क्वालिटी चेंज कीजिए, अच्छी कर दी गई क्वालिटी। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अभी आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो फ्रंट पेज में आपको ये लिखा दिख रहा है लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स एंड वर्चुअल, इट मीन जो स्कूल ऑफ द फ्यूचर्स, मतलब फ्यूचर में जो स्कूल्स रहेंगे, तो यहाँ पे फ्यूचर में जो स्कूल्स रहेंगे उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको जो फॉर आइकन नज़र आ रहा है, तो फ्यूचर में स्कूल्स किस तरह के रहेंगे, तो मैं आपको बता दूँ, फ्यूचर में स्कूल रहेंगे लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, मतलब कंप्यूटर्स के द्वारा ही लर्निंग कराई जाएगी। और जो टीचर्स और जो रोबोटिक सिस्टम रहेगा, पूरा मशीनरी सिस्टम रहेगा, आपको जिस तरह से अभी नोवेल कोरोना वायरस की वजह से और लॉकडाउन की वजह से आपको जो ऑनलाइन स्टडी करना पड़ी, ऑनलाइन स्टडी पर फोकस करना पड़ा है, तो ये सब फ्यूचर में होने वाला था लेकिन अभी ये टेम्परेरी कर दिया गया है, लेकिन ये बिकॉज ऑफ नोवेल कोरोना वायरस। तो आपको यहाँ पे ऐसा ये बताया गया है, देखिए, तो वर्चुअल क्लासरूम देख सकते हैं आप, मूविंग टेक्स्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके लास्ट पेज की, तो लास्ट पेज में आप देखेंगे, लास्ट पेज में द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया के जो 6 हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। और एक चीज़ और आपको बहुत अच्छी मिलेगी, लास्ट पेज ओपन हो गया है तो मैं आप इसी को ओपन करके बता दूँ, यहाँ पे देखिए ये दिया गया है नोवेल कोरोना वायरस COVID-19, तो मतलब आपको एक गाइडलाइन दी गई है कि प्रोटेक्ट योरसेल्फ एंड अदर्स, अब अपने आप को प्रोटेक्ट करिए और दूसरों को भी आप प्रोटेक्ट करिए। इट मीन्स ये जो पैंडेमिक है इससे आप अपने आप को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, फॉलो दिस ड्यूज एंड डोंट्स, मतलब क्या हमें करना है और क्या हमें नहीं करना है, तो यहाँ पे ये बताया गया है। ये आप नॉर्मल सुनते रहते हैं, आपको सोशल मीडिया के जरिए ये सारी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है और आपके मोबाइल पे टोन भी बजती है कि आप बार बार अपने हैंड्स को धोइए, मास्क का यूज़ करिए और जिसको खांसी या कोई भी बीमारी है तो उससे थोड़ी सी दूरी बनाइए, इट मीन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। और डोंट्स मतलब क्या नहीं करना चाहिए, आपको हैंडशेक नहीं करना चाहिए और अपने हैंड्स को माउथ से या नोज से टच नहीं करना चाहिए और पब्लिक प्लेस पर आपको स्पिल्ट नहीं करना चाहिए, थूकना नहीं चाहिए, तो ये सारी जानकारी आपको ये पेज में दी गई है, तो ये लास्ट ऐड कर दिया गया, ठीक है। चलिए हम इसके कंटेंट के बारे में बात करते हैं, तो किस तरह से इसका कंटेंट रहेगा, तो देख सकते हैं आप यहां पे, मैं आपको फर्स्ट पेज ओपन करके आपको बता देता हूं इसका जो कंटेंट्स कैसा रहेगा, वो आपको फर्स्ट पेज बता, देखिए तो ये इसके कंटेंट्स है, तो आप यहां पे देख सकते हैं, इसमें फर्स्ट जो आपका चैप्टर होगा द फन द हेड, तो मतलब आपके जो बहुत सारे जो चैप्टर्स हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम से, कुछ हिंदी मीडियम से, कुछ आपके 11th क्लास के, कुछ 12th क्लास के बुक्स चैप्टर को लेकर यहाँ पे ये दे दिए गए, मतलब द रोड नॉट टेकन, और ये आपने अलग अलग नहीं भी पढ़े होंगे, तो अब आपको कुछ न्यू चैप्टर्स आपको मिलेंगे और कुछ न्यू क्या, पूरी की पूरी बुक ही चेंज हो चुकी है, ठीक है। तो बस यही कुछ था आपकी फर्स्ट में। अब बात करते हैं इसकी सेकंड, जो कि सप्लीमेंट्री रीडर बुक है, ये आपकी सेकंड बुक है, दो ही बुक रहेंगी आपकी, एक फर्स्ट जो बी हाइव और सेकंड मोमेंट्स के नाम से, तो आप देख सकते हैं ये बुक आपकी सेकंड वाली बुक है, तो इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर फॉर क्लास, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बुक है आपकी प्रैक्टिस के लिए। ओवरऑल आपका जो NCERT का जो सिस्टम है अब वो आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा MP बोर्ड में, तो ये देख सकते हैं ये वाली आपकी सेकंड बुक। इसी तरह से आपकी 11th में भी है हॉर्नबिल, ये आपकी बुक 11th की एक आ गई है और इसमें भी आप देखेंगे बहुत ज़्यादा चेंजेस कर दिया गया है, पूरी बुक को चेंज कर दिया गया है, तो ये 11th की बुक है, आप इसको देख लीजिए। और इसी तरह से इसमें भी एक सप्लीमेंट्री बुक है, ये 2 बुक्स ही रहेंगी,
तो बस यही कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देना थी कि आपकी जो बुक्स हैं वो चेंज हो चुकी हैं और अब हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही एक बुक रहेंगी, 9th में अलग रहेगी और 11th में अलग रहेगी। ठीक है, तो बस उम्मीद करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही है। मैं इससे पहले भी वीडियो बनाना चाह रहा था इस टॉपिक पे ऊपर, लेकिन किसी रीज़न से मैं वीडियो नहीं बना पाया। हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी पहुँच चुकी हो, बट मैं वीडियो थोड़ा सा लेट बना रहा हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। तो गाइज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और हाँ अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ यदि आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।